लाइफ कर रहे हैं। हाँ ये बताइए क्या क्लीन जी कैसा लग रहा है जी एकदम क्लीन स्वीप कैसा लग रहा है? क्लीन स्वीप जनता जो ठान लेती है उसको करके दिखाती है और यह जो चुनाव हुआ है आपको जनता की आवाज़ की चुनाव है और जनता ने यह कर दिखाया है, जनता ने आशीर्वाद देने का काम किया है, एक नौजवान स्वच्छ छवि के लड़के को आगे बढ़ाने का काम किया है। जनता पूर्ण रूप से जानती है कि अब भ्रष्टाचारियों को कैसे एक ईमानदार छवि से तोड़ा जा सकता है। आपकी जीत में वीआईपी की क्या भूमिका है, आपकी किस रूप में वीआईपी को देखें? देखिए अगर उन दोनों का वोटिंग परसेंटेज भी देख लिए तब भी हम लोग आगे चल रहे हैं, तो आप देख सकते हैं इन सब चीज़ों को। इस पर बहुत जल्दबाजी होगी, जनता ने 35,000 अभी तो 30,000 प्लस मैं देख के आया हूँ और 5 राउंड के टेबल बाकी थे, तो उम्मीदन है कि 35,000 प्लस आज तक के इतिहास में आज तक इतना मैंडेट, बड़ा मैंडेट जनता ने किसी को नहीं दिया था, लेकिन जनता का आशीर्वाद और आपका बेटा आपको प्रणाम करता है। राजद जो माई समीकरण पर चलता था, तेजस्वी जी अपने स्वभाव में कह रहे थे A to Z समीकरण, उसको आप किस रूप में देख रहे हैं अपने जीत में? जी बिल्कुल देख रहे हैं उसको, क्योंकि सभी लोग को सम्मान देने का काम हम लोग कर रहे हैं और मैं आपके माध्यम से बताना चाहूँगा जनता के बीच में कि हम नौजवान आपका सम्मान के लिए ही आगे, आपके अधिकार के लिए ही यहाँ पे आए हैं, और ख़ास कर मैं निवेदन करूँगा कि मेरे माध्यम से आज जो आपने बोछा में यह कमाल करके दिखाया है, तो कहीं ना कहीं मैं चाहूँगा कि हमारे माध्यम से ही ये सरकार में आप हम पे भरोसा जताते हुए पूरे बिहार में ऐसा समीकरण आप बैठाना काम करेंगे। जी इसके लिए तो मैं तमाम जनता मालिक को धन्यवाद देना चाहूँगा, उनका आशीर्वाद प्राप्त हुआ और कहीं ना कहीं इतना बड़ा रण जो हमारे लिए तैयार किया गया था तो उन्होंने ही इस चीज़ को धूमिल करके ध्वस्त करके मुझे आज यहाँ विजय रथ पे मुझे बैठाया है। आप लगातार जनता में बने रहे हैं, इस पूरे जितना भी समर्थन आपको मिला इसकी खास वजह आप क्या मानते हैं? जनता के बीच में समर्थन क्योंकि मैं जनता के बीच में ही रहा हूँ, और बाबू लोग शहर से गांव से शहर जाते हैं लेकिन मैं शहर से गांव आया हूँ, तो ये बाबूजी की सीख रही है कि बेटा सामाजिक जीवन आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण है, परिवार सामाजिक जीवन आप इसको जोड़ के चलें, तो कहीं ना कहीं उनकी ये जो सीख है आज मुझे बहुत बड़ी सीख मिली है। आज जनता के द्वारा भी जो मुझे मैंडेट दिया गया, इतना बड़ा मैंडेट दिया गया है, तो कहीं ना कहीं मैं उनका धन्यवाद देना चाहूँगा। बेरोजगारी, महंगाई, धन शराबबंदी, ये कितना ज़्यादा शराबबंदी कहाँ से आ गया इसमें? VH देखिए बुमियार बढ़ा है, मुस्लिम और यादव समीकरण की बात आ रही है सामने में, त्रिकोणीय समीकरण है, इस पर आप क्या कहेंगे? मैं तमाम जनता आज जिन्होंने मुझे वोट नहीं भी दिया है, तमाम जनता और जो हमें हमारे समर्थक हैं, हमारे वोटर्स हैं, मैं तमाम लोगों को धन्यवाद देना चाहता हूं और मैं निष्पक्ष यहां पे ईमानदारी के साथ आपके लिए काम करूंगा। जो मैंडेट आज आपको दिया है गोचहा की जनता ने, हर राउंड में आप आगे रहे हैं, जी आगे आपकी क्या रणनीति? जी ज़रूर, रणनीति यही है कि जनता के बीच में जाके जनता का समाधान, जो उनका जो परेशानियाँ हैं उनके द्वारा ही पूछ के सामूहिक रूप से समाधान करने का रहा है। अमर जी, MY पार्टी से अब A to Z की पार्टी हो गई है, इसको कैसे कहां तक के लेके जाएंगे? ज़रूर, आज यहां पे जो समीकरण बैठा है लोगों ने एक ईमानदारी के लिए, एक नौजवान के प्रति इतना आभार व्यक्त करना चाहूँगा कि उन्होंने इतना विश्वास जताया, तो मैं आप लोग के माध्यम से उन तमाम जनता को भी कहना चाहूँगा कि यह भरोसा जताते हुए एक नौजवान और तमाम हमारी पार्टी में विश्वास जताएं, आपको मान सम्मान देने का काम हमारा है। सरकार आपकी नहीं है, जी वादे अपने बोछा की जनता से किए थे चुनावी सभाओं में, उन्हें पूरा करने में कितनी परेशानी आपको होगी क्योंकि सरकार आपकी नहीं है? सरकार जो हमारे पास है अवेलेबल है, मैं तो आपको शुरू से भी अभी इससे पहले भी कह चुका हूँ, जो पूर्व में जो यहाँ पे सत्र लगा, विधानसभा का सत्र लगा, सभी नेतागण यहाँ पे आए हैं, मैं उनसे निवेदन करना चाहूँगा कि जिन जनता ने उन्हें जिता के आगे सदन तक भेजने का काम किया और उन्होंने उस 10 दिन 15 दिन का दुरुपयोग करते हुए बोछा विधानसभा में अपना जो काम किया है, यहाँ पे आके लोगों को भ्रमित करने का काम किया है, मैं उन तमाम मंत्री, केंद्रीय मंत्री से निवेदन करना चाहूँगा कि आप अब अपना विश्वास जताते हुए, जो आपने जनता के ऊपर भरोसा मतलब उन्हें बातें बताई थी उसमें पुनः आपका योगदान करने का समय आ गया है।